बारिश बहुत तेज आ रही, सीढ़ी आज मैं छोड़ने आई हूँ और पता नहीं खड़े हो तब से बारिश बहुत ही तेज, बहुत ज़्यादा तेज आ रही है। और बाबू को अकेला छोड़ के आई हूँ, डेली तो ये अकेले आ जाती है नीचे कह पाती है, तो आज मैं इसको छोड़ने की बारिश हो रही, सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ है ये देखो, तो मैंने सोचा क्या पता कैसे जाएगी, तो मैं छोड़ने आई हूँ और मुझे डर लग रहा है कहीं वो उठ ही जाए, उठ जाएगा तो रोएगा, वो अकेला है कोई नहीं रूम पे, बस गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी वाले भैया का फ़ोन किया है मैंने, वो बोल मैं आने वाला हूँ, तो बस देखती हूँ, बस मुझे डर लग रहा है कहीं वो उठ जाएगा तो रोएगा। बादल कैसे गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी अब, और आज इसके पेपर एग्ज़ाम है तो इसी चक्कर में इसको भेज रही हूँ, वरना मैं स्कूल नहीं भेजती, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, इसके पेपर नहीं होता तो मैं इसको नहीं भेजती। भैया भी आए नहीं, काफ़ी टाइम से खड़े हैं, अभी तक आए नहीं, बस जल्दी से आ जाए तो मैं इसको गाड़ी में बिठा के जल्दी से भग जाऊँ, डर लग रहा है मेरे को कि वो उठ जाएगा तो रोने लग जाएगा। देख सकते हो आप, देखो कितनी तेज सी बारिश आ रही है, ऐसी बारिश कभी आती नहीं, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। गाड़ी आ गई है उसकी, छोड़ दिया है, अब मैं जल्दी से बक्के जा रही हूँ, देखती हूँ खड़ा तो नहीं हुआ, वो नाइट में नहीं आई थी बारिश, अचानक से मॉर्निंग में आना शुरू हुआ, पानी पानी भरा हुआ सब जगह, पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ है। अभी जल्दी जल्दी से जाती हूँ, मैं देखती हूँ उसको खड़ा तो नहीं आया, देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ, ऐसे पानी में स्वीटी को मैं अकेला नहीं भेजना चाह रही थी, मैंने सोचा क्या पता बेग और वो सांस इतनी होंगे इसीलिए छोड़ने है, डेली तो आ जाती है, वरना अभी कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे, तो इस चक्कर में देखो बिजली वगैरह कैसे आप देख रहे होंगे, बिजली की आवाज़ आ रही है ना, इतनी तेज़ बारिश आ रही है। चलो अब मैं पहुँच गई हूँ, ये खड़ा हो गया है, अभी रो रहा है, इसके लिए मोबाइल चालू करके गई थी मैं, और सो के खड़ा हो गया है, उसको छोड़ के ही तब तक ये खड़ा हो गया, और गेट के पास ही रो रहा था, और बाहर जो आपको आपने देखा होता है आंटी बैठे, जो हमारे नेबर उनको बोल के गई थी ये खड़ा हो जाए तो इसका ध्यान रखना, तो बाहर ही चेयर लगा के बैठे थे, इसका ध्यान रख रहे थे, तब तक इसने गेट नहीं खोला था, और लॉक लगा के गई थी, पर मैं सोच रही है ना ऐसे सिस्टम है तो लॉक लगाने के बाद भी अंदर से खुल जाता है ये, जैसे हम अंदर से खोलेंगे बाहर लॉक लगाने के बाद तब भी गेट खुल जाएगा, तो इसीलिए मुझे डर था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, और इसके लिए मोबाइल भी चालू करके गई थी, ये मोबाइल रखा था ना आपके लिए मैंने ऑन करके कि आप खड़े हो जाओ तो देखोगे, हाँ देख लेते मोबाइल, दीदी को छोड़ने के लिए आपको बोला था ना मैंने, कल मैंने बोला था अभी दीदी को छोड़ने के लिए जाऊँ तो रोना नहीं आपको, बोला था ना आपको मैंने, अब सोई सोई करेंगे, चलो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर इसको रूम में लेके आ गई हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए और सुलाऊंगी, अभी बहुत जल्दी है, अभी इसका टाइम बहुत लेट है, स्कूल का अभी स्कूल का टाइमिंग इसका थोड़ा लेट है, उसका जल्दी है, तो अभी थोड़ी देर सुलाऊंगी इसको मैं, और इसने मोबाइल ले लिया है, अब थोड़ी देर में नहीं आती ना तो ये गेट खोल के बाहर निकल जाता, एक दिन पहले भी ऐसे ही किया था जब बारिश आ रही थी, डेली मैं छोड़ नहीं जाती हूँ, एक दिन पहले भी बारिश आ रही थी तो मैं गई थी, तो मैं लॉक लगा के जाती हूँ, क्या हो गया लॉक लग गया क्या हो गया, चल गया ओके,
थोड़ी देर नहीं आती तो लॉक खोल के बाहर चला जाता है ये। अभी मैं आई तब लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, और अब ये बड़ा हो गया तो अब लॉक खोल लेता है ये, तो ये टेंशन है कि लॉक गेट खोल के बाहर निकल जाएगा। और इसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे हम बाहर से लॉक लगा लेंगे, अंदर से कोई खोलना चाहेगा ना तो खुल जाता है गेट। तो ये ऐसे ही कर रहा था, लॉक खोल रहा था, जैसे ही मैं आ गई थी लॉक खोलने लगा, खड़ा हो इसका उसी टाइम मैं आ गई थी। और जो बाहर नेबर जो आंटी है ना, वो बाहर ही बैठे थे, वो मैं बोल के गई थी कि खड़ा हो जाए तो दो मिनट देख लेना उसको, वो बाहर ही चेयर लगा के बैठे थे। पहले सीढ़ियों पर बैठे थे, वो ऐसे ही घूम रहे थे, राउंड राउंड कर रहे थे, तो बाहर चेयर लगा के बैठ गए थे। जो मेन गेट के बाहर जो स्टील का गेट होता है ना, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी वो लगाने के लिए, जो लोहे का स्टील का गेट आता है, जहाँ पहले हम मेट्रो स्टॉप क्वार्टर में रहते थे तब जो गेट के बाहर जो लगा हुआ था, वैसे गेट के लिए बोला था मैंने कि है ना वो वाला गेट लगा देना, ताकि कभी बाहर जाना हो, स्वीट दोनों बच्चों को छोड़ के भी जाऊँ तो, स्वीट ही तो बड़ी टेंशन नहीं, इसका थोड़ा टेंशन रहता। जैसे आज इसने खोल दिया, खोलने की कोशिश कर रहा था आज, तो मैंने उनको बोला था स्टील गेट लगा देना। हाँ वो बोलते हैं आज लगा दूंगा कल लगा दूंगा, और इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते इतना। तो वो है कि स्टील का गेट हो, बाहर वो वाला गेट हो ना, टेंशन नहीं रहती। थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, रोएगा तो थोड़ा रो के चुप हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा थोड़ा टेंशन रहती। लिफ्ट है ना गेट के बाहर, तो कहीं लिफ्ट में कहीं चला जाए तो ये टेंशन रहती, तो थोड़ा ये डर रहता मेरे को। अभी वो लगाना, गेट लगवाना पड़ेगा। अभी इसको सुला देती हूँ, मोबाइल देख रहा है। तो आज थोड़ा मूड भी ओप है मेरा, क्योंकि जो हमारे सबसे छोटे मामा जी है, जो मेरी मम्मी के भाई है ना, वो सबसे छोटे वो एक ही है, बाकी के जो उनसे बड़े थे उनकी काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी। और ये मामा जी काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, काफ़ी टाइम से बीमार थे, तो फिर उनकी कल उनकी नाइट में डेथ हो गई, तो नाइट में कॉल आया था, तब से दिमाग थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। नींद भी पूरी नहीं आई थी, नींद भी मतलब बस पूरे दिन वही सोच रही थी, तो नींद भी नहीं आई थी नाइट में मेरे को। अभी अभी खड़ी हुई तो स्वीटी को स्कूल छोड़ के आई, थोड़ा सा वीडियो बना लिया है मैंने स्वीटी को छोड़ के आने के बाद, क्योंकि मूड थोड़ा वैसा हो गया। अब थोड़ा मेरे को देख के लग रहा होगा थोड़ा आपको कि जैसे स्वेलिंग सी आ रही हो फेस पे, वैसे लग रहा होगा ना, बड़ा बड़ा सा फेस वैसे लग रहा होगा। तो इसी चक्कर में अभी इसके साथ थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी मैं, ये स्कूल जाएगा तब खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि लंच तो मैंने बना लिया स्वीटी के लिए, लंच बनाया था मैंने स्वीटी के लिए, आलू फ्राई किए थे, क्योंकि आलू फ्राई करती हूँ तो दोनों खा लेते हैं, बड़े इंजॉय से खाते हैं क्योंकि दोनों का फेवरेट है। उसके साथ पराठा बनाया मैंने, तो बस इसके लिए पराठा ही बनाना है। थोड़ी देर इसको भी सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ, नींद पूरी नहीं हुई मेरी भी, तो थोड़ी देर के लिए सोएंगे, नींद थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अभी सो जाती हूँ मैं, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे।